सांस फूल गई भाई। हिस्ट्री तो ये है जी, बद्री भविष्य बद्री मंदिर। गाइस ये देखो बेबी जोड़ा देख सकते हो, इसमें गर्मी इतनी हो रही है, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, इसके लिए हम एक गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहुंच गए हैं वृद्ध बद्री में और ये है कुछ। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आरएस उत्तराखंड एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। भाई ये हमारा होने वाला नेक्स्ट व्लॉग इस सीरीज का, जिसमें हम कल रात जोशीमठ आ गए थे और कल तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है। आज फिलहाल अभी हमने एक दो जगह जाना है, उसके बाद निकल जाएंगे वापस हम देहरादून की तरफ। बाकी आज का कुछ ऐसा है मौसम, थोड़ी धुंध लगी हुई है जोशीमठ से। ये है व्यूज़, ये पूरा हमारा जोशीमठ शहर क्लाउड्स के साथ, ये थोड़ी बहुत उधर पीक्स दिख रही हैं लास्ट में इस साइड। बाकी अभी फ़िलहाल अपनी चल रही है चाय ये, और अभी उठ गए हैं सब लोग 6:30 अभी टाइम हो रहा है, और अब थोड़ी देर में 10-15 मिनट में हम यहाँ से निकल जाएंगे। बाकी अच्छा रहा है अभी तक का, बहुत जर्नी बहुत ऑसम रही है नीति वैली की हमारी, और कल वाला दिन तो बहुत ही सुपर था। बाकी देखते हैं अभी यहाँ से निकलते हैं, दर्शन करते हैं, एक मंदिर पर जाना है एक्चुअली हमें, मंदिर का नाम मैं आपको वहीं जाके बताऊँगा, और फिर निकल जाएंगे हम वापस अपनी देहरादून को। तो आज जैसा भी रहेगा जर्नी में दिखाते रहेंगे आपको, एंजॉय। सो अभी हम आए हुए हैं भविष्य बद्री के पास, ये देखो ये भविष्य बद्री एक यहाँ पर मंदिर है, तो उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं ऊपर। लगभग तपोवन से ये 15 किलोमीटर के आसपास है, एक कच्चा रास्ता आता है, कच्चा रास्ता इन द सेंस मतलब कि थोड़ा सा प्रॉपर जो हाईवेज वगैरह होते हैं वैसा नहीं है, थोड़ा सा नैरो रोड है और थोड़ा कहीं और मतलब मोस्टली इसमें गड्ढे वगैरह हैं, भी काम चल रहा होगा, मतलब कहीं पर सही है कहीं पर थोड़ा सा ख़राब रोड है। बाकी ऐसा कुछ ये ट्रेल रूट है छोटा सा मंदिर के लिए, थोड़ा ठंडा भी है इधर पे हल्का हल्का। बाकी अभी जाते हैं ऊपर दर्शन वगैरह करते हैं मंदिर के। भाई छोटा सा ट्रेल रूट था 200-300 मीटर का, 200-300 सांस फूल गई भाई, स्टीप था थोड़ा, वो नीचे से आ रहे जल्दीबाजी में तेज तेज आ गए तो सांस फूल रही है। सो ये है जी बद्री भविष्य बद्री मंदिर, क्योंकि फ्यूचर में जो हमारे जो भी बद्रीनाथ धाम है ना वो इधर ही पर आने वाले हैं। स्टोरी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता अभी, वो पता करेंगे कहीं मिलेगी तो मैं इसमें कुछ डाल दूंगा लिख के या कुछ कैसा कैप्शन करके, बट फ्यूचर में बद्रीनाथ जी का यही आने वाला है। बहुत सुंदर ये जगह है, मतलब बहुत शांति जगह में, यहाँ पर इवन ना आपको कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं मिलेगा फिलहाल के लिए। ऐसा कुछ ट्रेल रूट है, यहाँ को माउंटेन्स वगैरह भी पीछे हिमालयन माउंटेन्स हैं, वो पेड़ों से छुप रहे हैं अभी, वो भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छी शांति ऐसी है यहाँ पर, अच्छा लगा इधर आके भी ऐसा कुछ है। सो भाया हम लोग आ गए हैं दर्शन करके भविष्य बद्री जी के, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, पेड़ इतने अच्छे लग रहे हैं ना देखो इनको, सही कितना सही वो है, टेरेन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया है। अभी अब जा रहे हैं नीचे को वापस, और फिर जाएंगे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे नीचे, उसके बाद फिर निकल जाएंगे सीधे देहरादून को। बाकी बहुत अच्छा ट्रिप रहा है टिल नाउ, मतलब वी एवरीबडी यू नो एंजॉयड, और जो कल वाली वैली थी दैट वाज रियली रियली ऑसम, मतलब हमने ना एक वो होता है कि यार सोचा भी नहीं था कि मतलब वो वैली ऐसी होगी, इतनी ख़तरनाक होगी, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल थी वो, तो अपने उत्तराखंड में ही है तो हमें यार एक्सप्लोर करना चाहिए, एंड दैट्स वॉट वी आर डूइंग हेयर। सो नाउ वी गोइंग बैक टू द जोशीमठ एंड आगे की जर्नी शूट करते हैं। सो अभी हम एक जा रहे हैं वृद्ध बद्री में, ये भी एक बद्री में से एक हैं, तो उनके भी ये इन रूट ही आते हैं जोशीमठ से नीचे, तो इनके भी दर्शन करते हुए चलते हैं। और ये कुछ ऐसा है रूट,
यहाँ पर आपको घर वगैरह मिल जाएंगे, मतलब ये जहाँ पर जो लोग वगैरह रहते हैं यहाँ पर आसपास ही, तो ये कुछ ऐसा। हम पहुंच गए हैं वृद्ध बद्री में और यह है कुछ यहाँ का प्रवेश द्वार। आओ दर्शन करते हैं वृद्ध बद्री जी के। ओ भाई सो कहीं बीच में रुके हैं अभी हम जोशीमठ से कई नीचे नींबू पानी रुकने। अब गर्मी लग रही है भयानक, मीठी की ठंड खा के आ गए ना, बहुत ज़्यादा ठंडा वहाँ खाया, अब बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ नीचे खाएंगे। अभी देहरादून की जर्नी बची हुई है, कर्णप्रयाग आएगा, फिर रुद्रप्रयाग, बाकी फिर देवप्रयाग, फिर ऋषिकेश वगैरह। तो अभी टाइम है, काफ़ी लगेगा, 12:30 अभी टाइम हो रहा है। नींबू पानी वगैरह पीते हैं फिलहाल। यहाँ पर सामने देखो नदी है छोटी सी, और यहाँ के कलर्स देखो, आजकल अप्रैल की हरियाली है, अप्रैल मई, आज से मई भी लग गया है, मई की हरियाली है। सो भाई ये है अपना नींबू पानी का ग्लास, अब ये ही लाएगा हमारे शरीर में जान। शरीर बिल्कुल यंग सा हो गया, गर्मी में ना भयंकर ऐसे ज़्यादा है आलस ये वो, अब यही लाएगा शरीर में जान, कैसा है पी के देखते हैं। थोड़ी सी बर्फ पड़ी होती ना भाई, है क्या पानी तो मीठा नहीं, जलजीरा पता नहीं, जलजीरा भी चला जाएगा। कुछ मीठा मीठा सा भी आ रहा है, कैसे पता नहीं क्या है, नींबू पानी तो है नहीं है, पता नहीं क्या है भाई, बहस भी आ रही है। कुछ नहीं, कुछ तो है ये। गाइस ये देखो प्रेमी जोड़ा, देख सकते हो स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल रास्ते बच्चे क्या जा रहे हैं, स्कूल का प्यार, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। और वो आगे बॉन्ड वो रही स्कूल की, देखो दो तरीके के स्कूल। एक पीछे उसमें और एक मित्रता की परिकाष्ठा। बचपन के दोस्त। सो भाई अभी एक दूसरा ग्लास हमने पिया नींबू पानी का, जो बेहतर था काफ़ी उस वाले से, पहले वाले से। अब फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट, अभी बहुत बचा है यार, ऋषिकेश और तो जाते हैं, फटाफट पहुंचते हैं। सो भाई अभी गए हम बीच में हैं, गर्मी इतनी हो रही है, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, इसके लिए हम एक गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक गाना आएगा, उसको मतलब जितनी वाहियात आवाज़ में हम गा सकते हैं वो गाने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपके सामने सॉन्ग। तो हम फाइनली पहुंच गए तीन धारा में, देवप्रयाग से ऊपर। तो भैया ने खींच के बिल्कुल चला रहे हैं ऊपर गाड़ी मस्त करके, बाकी अभी थोड़ा टाइम लगेगा यार, अभी काफ़ी मतलब कितना 180-90 बचा हुआ देहरादून, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी ये अपना सा कुछ रूट यहाँ से आ रहे हैं ऐसा, बाकी धनों ने इतना सही भयंकर सपोर्ट किया है, अभी तक बहुत सही चल रही है, भैया खींचते हुए ला रहे हैं ऊपर को। फिलहाल अभी कुछ यहाँ पर खाते हैं हल्का फुल्का, फिर उसके बाद फिर निकलते हैं देहरादून को।